एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार और लाखों करोड़ों चाहने वालों के फैन रविश कुमार के लिए कल का दिन काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि कल उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी बड़ा पुरस्कार मिला है और वो है विश्वसनीयता का तमगा। जी हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट ने कल एनडीटीवी के एक वीडियो के आधार पर दिल्ली दंगों के आरोप में एक साल से जेल में बंद 3 लोगों को जमानत दे दी। एनडीटीवी के वीडियो में दिखाया गया था कि तीनों आरोपी घटना के वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे, जहां का दावा पुलिस कर रही थी, बल्कि उस समय वे किसी और जगह पर मौजूद थे। दिल्ली हाईकोर्ट के इस निर्णय से ये दिलासा भी मिलता है कि लोकतंत्र अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और बहुत कुछ है जो सरकारी नियंत्रण से परे है। इस दौर में न्यूज चैनलों की विश्वसनीयता और निष्पक्षता रसातल में है। रिपब्लिक 10 टीवी के अर्णब गोस्वामी सबसे बड़े खलनायक की तरह उभरे हैं, जो सरकार से साठगांठ भी रखते हैं और टीआरपी से छेड़छाड़ भी करते हैं और अपने यहाँ काम करने वालों को पैसा तक नहीं देते। शिखर के लिए घाटी का होना जरूरी है, ऊंचाई के एहसास के लिए नीचाई भी जरूरी है। घटियापन और नीचता के सबसे आखिरी सोपान पर अर्णब गोस्वामी, जीटीवी के सुधीर चौधरी, एबीपी न्यूज की रूबिका लियाकत, न्यूज नेशन के अमीश देवगन, अंजना ओम कश्यप, दीपक चौरसिया, ऐसे नाम हैं जो पत्रकारिता को कालंकित करने के लिए याद रखे जाएंगे। इनके घटियापन पर भी अदालत की मुहर लग चुकी है। कोरोना को लेकर इन्होंने जिस तरह की घटिया रिपोर्टिंग की है वो सदियों तक, जी हाँ सदियों तक याद रखी जाएगी। अदालत ने बाद में कहा भी था कि अगर मीडिया मुसलमानों को कोरोना का जिम्मेदार नहीं बताता तो हम इस महामारी से और अच्छी तरह निपट सकते थे। बहरहाल एक तरफ वो मीडिया है जिसे गोदी मीडिया के नाम से पूरे देश में जाना जाता है और दूसरी तरफ रविश कुमार है जिनकी विश्वसनीयता इतनी है कि कोर्ट उनके न्यूज क्लिप के आधार पर जमानत दे रहा है। होना तो यही चाहिए कि अब सभी ईमानदार हों। ईमानदारी कोई अतिरिक्त गुण नहीं, पत्रकारिता की पहली शर्त है। मगर तमाम न्यूज चैनल जैसे एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं कि कौन ज्यादा चाटुकार और बेईमान है। उधर अदालतों का जो हाल है वो भी कहने की जरूरत तो नहीं है। ऐसे में अगर कोई दिल्ली हाईकोर्ट दंगों के मामले में आरोपियों को राहत देती है तो खुशी होती है। हालांकि इस दिल्ली में कपिल मिश्रा की गिरफ्तारी का ऑर्डर करने वाले जज का रातों रात तबादला भी हुआ है, मगर अब ऐसा लगता है कि सभी चीजें सरकार के नियंत्रण में नहीं रह सकती। कुछ लोग हैं जो इनकार से सिर हिला सकते हैं और सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा कर सकते हैं। रविश कुमार पत्रकारिता के शिखर बन चुके हैं।